नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का फैसला किया है। संयोग से दोनों का ही जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर लिखा कि मालवीय और वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लेते हुए उन्हें खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शुरू हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों हस्तियों को यह शीर्ष सम्मान देने के बारे में अंतिम निर्णय लिया गया। यह सम्मान 26 जनवरी को दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने मालवीय को भारत रत्न देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी का चुनावी चंदा चोरी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के डिनर से जुटाया गया धन मंगलवार रात पूर्व विधायक वंदना कुमारी के घर से चोरी हो गया। चोरों ने अलमारियों का ताला तोड़ा और 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। चुनावी चंदा चोरी हो जाने की खबर सुनकर फंड की कमी से जूझ रही पार्टी में हड़कंप मच गया। वंदना शालीमार बाग इलाके से आपकी पूर्व विधायक हैं। चुनाव से पहले इस वारदात से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। असम में उग्रवादी हमला, मृतक संख्या 52 हुई। असम के सोनितपुर और कोकराझार जिलों में मंगलवार को 4 जगहों पर संदिग्ध बड़ो उग्रवादियों के सिलसिलेवार हमलों में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई। राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर घटना पर शोक जताया है। यूसुफ पठान ने दर्शक को थप्पड़ मारा। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बड़ौदा और जम्मू कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच के दौरान एक युवा दर्शक को भद्दी टिप्पणियों से नाराज होकर कथित रूप से थप्पड़ जड़ दिया। बड़ौदा क्रिकेट संघ के सचिव स्नेहल पारिक के अनुसार रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम में यह दर्शक मैच के दौरान पठान और अन्य खिलाड़ियों पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। आउट होने के बाद नाराज यूसुफ ने युवक को ड्रेसिंग रूम में बुलाया और उसे कथित रूप से 2 थप्पड़ जड़ दिए। मेरे मन में हिंदू धर्म के लिए आदर है, आमिर खान ने कहा। हाल ही में रिलीज आमिर खान अभिनीत फिल्म पीके पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा है। कुछ लोगों ने तो आमिर और राजकुमार हिरानी के खिलाफ यह कहकर FIR भी दर्ज कराई है कि यह फिल्म हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। आमिर के मुताबिक पीके किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में हिंदू धर्म के प्रति बहुत आदर है। जब मेरी पहली पत्नी रीना की माँ हवन कराती थी तो मैं भी उसमें शामिल होता था। ये थे आज के मुख्य समाचार। नमस्कार।